उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अभी अभी जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। इस प्रकार से उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 132 पहुंच गई है। इससे पहले देहरादून में 2 और कोरोना पॉजिटिव मिले थे। राजधानी देहरादून में संक्रमितों की संख्या 50 पहुँच गई है। वहीं बात करें तो अब तक कुल 53 लोग यहाँ पर ठीक भी हुए हैं। इससे पहले देहरादून में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल, टिहरी और अल्मोड़ा से एक एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। राजधानी देहरादून में कोरोना के सबसे ज़्यादा 50 मरीज हैं, जबकि उधम सिंह नगर में 27 केस हैं। वहीं अब तक 53 मरीज ठीक भी हो गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे देहरादून में 50 मरीज, उधम सिंह नगर में 27, नैनीताल में 26, हरिद्वार में 8, पौड़ी में 4, अल्मोड़ा में 4, उत्तरकाशी में 4, चमोली में 1, टिहरी में 6, बागेश्वर में 2। तो इस प्रकार से कुल मामले 132 पहुँच गए हैं। इसी के साथ खबर आई है, देहरादून सब्जी मंडी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। पॉजिटिव मिलने के बाद पूरी जगह यहां पर हड़कंप मच गया है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी सब्जी मंडी देहरादून के निरंजनपुर मंडी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। मंडी में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। मंडी का एक आढ़ती कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मामले की जानकारी लगते ही मंडी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आढ़ती के परिवार के 6 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरती इस दौरान किन किन लोगों से मिला है। जानकारी मिलने के बाद उनके संपर्क में आए अन्य लोगों को भी क्वारंटाइन किया जाएगा। मंडी सचिव विजय थपलियाल ने बताया कि एहतियातन जो भी कदम उठाए जाने चाहिए सभी कर लिए गए हैं। वहीं बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों को लाने का क्रम भी जारी है। और ऐसे में 3000 उत्तराखंडी प्रवासी पहुंचे बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, लेकिन 1700 को ही मिली परमिशन। तो कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में उत्तराखंड के प्रवासी अपने हजारों रुपए खर्च करके ट्रेन पकड़ने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु पहुंचने पर उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिली। ऐसे में अब इन प्रवासियों के पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे हैं। तो लॉकडाउन के कारण प्रवासी अपने गृह राज्यों में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालत यह है कि कई बार अधूरी जानकारी के चलते कई प्रवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग तो पैदल ही अपने घर की ओर निकल रहे हैं। तो आज कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित पहले इस रेलवे स्टेशन पर एक वाकया हुआ। उत्तराखंड जा रही एक स्पेशल ट्रेन की सूचना पर करीब 3000 से ज़्यादा प्रवासी पहुंच गए। हालांकि ट्रेन में सिर्फ 1700 किस्मत वालों को ही जगह मिल पाई, बाकियों के नसीब केवल इंतजार आया। वहीं ट्रेन न मिलने से बाकी प्रवासी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के प्रवासी कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों जैसे बेंगलुरु, उडुपी, बेंगलुरु, बेलगामी में रहते हैं। इन्हें कहीं से सूचना मिली थी कि बेंगलुरु से एक ट्रेन उत्तराखंड जा रही है, जिसके बाद ये प्रवासी टैक्सी बुक कर हजारों रुपए खर्च करके रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन न मिलने पर ये प्रवासी काफ़ी उदास हैं। इन्हें आने वाले दिनों में अपने खाने पीने की चिंता सता रही है। टैक्सी के लिए पैसे देने के बाद ये लोग खाली हाथ हैं, इनके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। वहीं खबर आई है, जौलीग्रांट एयरपोर्ट से जल्द ही यहाँ पर उड़ानें शुरू होंगी। यात्रियों को माननी होंगी शर्तें। तो घरेलू उड़ानें शुरू होने से कई लोगों को बड़ी राहत मिली है। इससे न सिर्फ यात्रियों को लाभ होगा बल्कि टैक्सी संचालकों को भी रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही अब जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। तो एयरपोर्ट निदेशक डीके गौतम ने कहा कि पार्किंग स्थल, जहाज पार्किंग, टर्मिनल बिल्डिंग और वीआईपी स्थल समेत अन्य जगह को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा यात्रियों की जांच पड़ताल के लिए भी स्पर्श रहित मशीन लगाई गई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रियों की जाँच पड़ताल करेगी। एयरपोर्ट पर कोविड-19 के बचाव के लिए सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए एयरपोर्ट कर्मचारी को भी ट्रेंड किया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आई है, सिटी बस संचालकों ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है। तो सरकार के सामने रखी ये मांगे। तो खबर आई है देहरादून से, जहां पर लॉकडाउन 4 के बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के व्यावसायिक वाहनों को आज 50% सवारियों के साथ अपने वाहन का संचालन शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से राजधानी के सिटी बस संचालक और मैक्सी कैब संचालक संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं सिटी बस यूनियन का कहना है कि 50% सवारियों के साथ बसों का संचालन करना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार से आर्थिक पैकेज के साथ बसों के किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने मांग की कि सरकार के आदेश अनुसार परिवहन सेवा शुरू करने से हमारे इंश्योरेंस को 6 महीने आगे बढ़ाया जाए। साथ ही जितनी सवारियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है, उतनी ही सवारियों का इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाए।
जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को फायदा हो। साथ ही किराए में दोगुना की वृद्धि और 50% खाली सीटों का मुआवजे की मांग की गई है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट बैंकों के लिए ऋण को 6 महीने के लिए आगे बढ़ाए जाने की मांग के साथ लॉकडाउन के समय से पेनल्टी को माफ़ करने की मांग की है। तो ये सब यहाँ पर पहले शर्तें रखी गई हैं, उसके बाद ही इन बसों को संचालन करने की बात कही गई है। चमोली से बड़ी खबर आई है, जहां पर एक दुखद घटना घटित हुई है। एक कार खाई में गिर गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। तो खबर चमोली जिले के डुंगरी थराली मोटर मार्ग पर हुआ है। बताया जा रहा है कि कार थराली से मेन गांव की ओर जा रही थी। कार अनियंत्रित होकर के प्राणवती नदी के किनारे जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन में 4 लोग सवार थे, 3 लोग घायल हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया है। लोगों ने इस बात की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। सूचना पर थराली पुलिस मौके पर जाकर रेस्क्यू किया। खबर है कि घायलों को CSC थराली लाया गया है। फिलहाल आपसे यही अपील है कि पहाड़ों में हमेशा संभाल कर ही वाहन चलाएं। तो लगातार यहां पर पहाड़ों पर इस प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। उसी प्रकार की खबर आज एक और आई है, जहाँ पर दिल्ली से आ रही प्रवासियों की कार खाई में गिर गई है। तो रानीखेत से खबर आई है, जहाँ पे एक बार फिर उत्तराखंड में बुरी खबर आई है। मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा रानीखेत से दिल्ली से प्रवासियों को ला रही एक कार अनियंत्रित होकर के खाई में जा गिरी। इसमें चालक की मौत की खबर आई है। वहीं कार में सवार 3 लोगों को घायल होने की खबर आई है। बता दें कि बीते बुधवार को भी प्रवासियों से भरी कार खाई में जा गिरी थी, लेकिन उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। तो इस प्रकार से लगातार उत्तराखंड में सड़कों का हादसा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, करीब 500 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड का ये मेला नहीं लगेगा। तो पौड़ी से खबर आई है, जहाँ पे कोरोना महामारी के कारण देश भर में मंदिर और धार्मिक आयोजन बंद है। उत्तराखंड के चारों धामों के कपाट तो खोले गए हैं, लेकिन यहाँ केवल नियमित पूजा के लिए परंपराओं को निभाया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के अन्य मंदिर को भी यहाँ पर लगने वाले जो मेले हैं उनको भी स्थगित कर दिया है। ऐसा ही ऐतिहासिक मेला पौड़ी जिले की कलजी खाल में भी लगता है, जो इस बार नहीं होगा। खास बात यह है कि इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब करीब 459 सालों में यह मेला आयोजित नहीं होगा। इसी के साथ बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में लगातार गुलदार यहां पे देखने को मिल रहे हैं, इससे गांव में दहशत है। तो इसी प्रकार से 2 गुलदार यहां पे दिखने से दहशत का माहौल फैला है। तो उत्तराखंड में लॉकडाउन लगने के साथ ही जंगली जानवरों का खौफ चरम पर आ चुका है। लॉकडाउन के बाद से ही जंगली जानवर बिना किसी खौफ के जंगलों से निकलकर मानव बस्तियों में आ रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, वे इंसानों के ऊपर जानलेवा हमला भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में गुलदार का दबदबा बना है। शायद ही ऐसा कोई गाँव बचा है जिसमें लॉकडाउन के दौरान गुलदार ने दर्शन न दिया हो। बागेश्वर में बुधवार को सुबह तकरीबन 4 बजे कोतवाली परिसर में गुलदार आ धमका। वह होटल के CCTV कैमरे में कैद हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था। कुछ ही देर में गुलदार नदी की ओर वापस चल पड़ा। वहीं ठाकुर द्वारा वार्ड के नीलेश्वर में भी लोग गुलदार के कारण बेहद डरे हुए हैं। नीलेश्वर में बीते मंगलवार को 2 खूंखार गुलदार एक साथ घुस गए और उन्होंने स्थानीय निवासी केशव दत्त जोशी के पालतू कुत्ते के ऊपर भी हमला कर दिया। वहीं बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें अब IAS मंगेश घिंडियाल को टिहरी का कमान दे दिया गया है, जबकि रुद्रप्रयाग की नई DM अब IAS वंदना को बना दिया गया है। वहीं बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 14 बड़े फैसले लिए गए हैं। तो देहरादून में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में पर्यटन और ट्रांसपोर्ट सेवाओं से जुड़ी लोगों के लिए बड़ी राहत का ऐलान हुआ। इसके अलावा एक्सरसाइज फीस माफ करने के फैसले पर भी सहमति बनी। कैबिनेट में कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से 14 बिंदुओं पर कैबिनेट ने स्वीकृति की मुहर लगाई। बैठक में COVID-19 के चलते पैदा हुई स्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रवासियों से जुड़े मुद्दों पर भी यहां पर बात की गई। हाल ही में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि बाहर से आ रहे लोगों को राज्य की सीमा पर ही क्वारंटाइन किया जाए। इसे लेकर सरकार का कहना है कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। जल्द ही सरकार इसे लेकर हाईकोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगी। सरकार ने कहा कि आने वाले वक्त में करीब 5 लाख प्रवासी उत्तराखंड लौट सकते हैं। ऐसे में इन सभी को राज्य की सीमा में क्वारंटाइन रखना संभव नहीं है।
इसके अलावा राज्य सरकार ने शराब कारोबारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने की वजह से MDD माफ करने का फैसला किया गया है। मार्च महीने की 34 करोड़ की MDD और अप्रैल महीने की 195 करोड़ की MDD माफ कर दी गई। इसके अलावा बार संचालकों की बार फीस 3 महीने के लिए रियायत दी गई है। वहीं मीटिंग में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ। कैबिनेट ने इन्हें परमिट के लिए 1 साल के लिए छूट दी, जिससे सरकार को 14 करोड़ 23 लाख का भार पड़ेगा। वहीं साथ ही टैक्स में भी 3 महीने की छूट दे दी गई, जिससे सरकार को 63 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही बीज खरीदने के लिए राज्य सरकार ने 3 संस्थानों को मान्यता दी है। वन विभाग में वन्य जीव अपराध अधिनियम के तहत 14 पदों को मंजूरी मिली है। इसके अलावा अब प्रदेश में बिना सूचना के 5 साल तक अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों को बर्खास्त माना जाएगा। जिला सूचना अधिकारी के पद के लिए हिंदी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। साथ ही सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का विलय हो गया है, अब इसे समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया गया है। वहीं पर्यटन सेवा से जुड़े लोगों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। वीर चंद्र सिंह योजना और दीनदयाल होम स्टे का ब्याज राज्य सरकार देगी। 3 महीने की पेमेंट सरकार की तरफ से होगा। वहीं पर्यटन विभाग के रजिस्टर्ड करीब 2.5 लाख लोगों को सरकार 1,000 रुपये देगी। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में उद्योगों को राहत देने के लिए एक सब कमेटी के गठन का फैसला लिया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत करेंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ अहम फैसले लिए गए हैं आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में।